मैं हूँ आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। जनता की समस्या पर अधिकारी का जवाब, क्या हम बिजली पाकिस्तान को दे रहे हैं? शिमोगा में जनता के बिजली समस्या की शिकायत करने पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जवाब में कहा कि क्या हम पाकिस्तान को करंट सप्लाई कर रहे हैं। इसी बयान का विरोध करते हुए बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सागर से कुमार बंगारप्पा ने कहा कि जब लोगों ने बिजली की समस्या बताई तो आपने ये कैसे कहा कि हम पाकिस्तान को करंट सप्लाई कर रहे हैं? क्या ऐसा क्यों? आपको चाहिए कि अपने जबान को लगाम दे, आप ऐसी बात नहीं कर सकते। शिमोगा में भारी बारिश के चलते लोगों को बिजली की परेशानी हो रही है। जनता की समस्या सुधारने की बजाय आप इंडिया पाकिस्तान कर रहे हो, कहा कुमार बंगारप्पा ने। अगर अधिकारी ही ऐसे जवाब देते रहेंगे तो लोगों की परेशानी कैसे दूर होगी? अब किसानों ने भी शुरू किया गैर कानूनी काम। गैर कानूनी तरीके से अपने खेत में गांजा उगाने वाले किसान को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। घटना गोकाक तालुक का मुडनकन हट्टी ग्राम की है, जहां शिवलिंगप्पा शिशुड्डी नामी किसान ने अपने खेत में गांजा उगाया था। पुख्ता जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापामारी करके किसान के पास से 25 किलो गांजा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने गांजा समेत जमीन को कर लिया है जब्त, आगे की जांच में जुटी है पुलिस। मामला गोका ग्रामीण पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। छोटी सी बात पर शराबी बेटे ने की पिता की हत्या। घटना मैसूरू जिला हुंसूर तालुका केंचन केरे होसकोटे ग्राम की है, जहां शराबी बेटे ने छोटी सी बात पर अपने ही पिता की हत्या कर दी। मरने वाले की पहचान 70 साल सन्नैया के नाम से हुई है। सन्नैया का बेटा माधव नशे में था, छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से झगड़ा किया। बहन की शादी का कर्ज पिता के ना चुकाने पर बेटे ने पिता से मुझे पैसे दो या फिर जमीन मेरे नाम कर दो कहकर मारपीट शुरू की, जिसके चलते पिता घायल हो गया और वहीं मर गया। स्थानीय लोगों ने सन्नैया की बेटी गौरम्मा को सूचना दी, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने महादेव को कर लिया है गिरफ्तार। मैं टिकट लेकर चुनाव लड़ने वाला नेता नहीं रहा, जेडीएस अध्यक्ष सीएम इब्राहिम। जेडीएस राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने विधान सौधा में बात करते हुए कहा कि मैं अब टिकट लेकर चुनाव लड़ने वाला नेता नहीं रहा, मुझे अपने अध्यक्ष होने का रवैया दिखाना चाहिए। बड़े पद पर बैठकर हम खाना खाते बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा? जल्द से जल्द इस दो मुंह की सरकार को हटाना है। इस सरकार में ना मर्द और ना ही औरत है, इस सरकार के साथ चलना भी नहीं होता और चुप बैठना भी नहीं होता, कहा सीएम इब्राहिम ने। अगर औरत होती तो औरत को भेजते, मर्द होते तो मर्दों को भेजते, मगर इस सरकार में दोनों नहीं हैं, करें तो क्या करें की बात कही सीएम इब्राहिम ने। पूरी तरह से सरकार को लेकर कंफ्यूजन है, कहा जेडीएस राज्य अध्यक्ष इब्राहिम ने। 5 रुपये लेने वाले मशहूर डॉक्टर को पड़ा दिल का दौरा। मंडिया जिले में 5 रुपये वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर रहे डॉक्टर शंकरे गौड़ा को कल रात दिल का दौरा पड़ गया है। जो अपने मरीजों से सिर्फ 5 रुपये लेते थे, फिलहाल उनको इलाज के लिए मैसूरू के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जिनके दिल के 3 रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है कि शंकरे गौड़ा की जान को कोई खतरा नहीं है, 1 हफ्ते में बाईपास सर्जरी होने की संभावना है, कहा। गरीबों के मसीहा 5 रुपये लेने वाले डॉक्टर के परिवार वालों ने डॉक्टर शंकरे गौड़ा का मंडिया में तारा नामी क्लिनिक है, जो फीस में सिर्फ 5 रुपये लेकर इलाज करते हैं और बड़ी बीमारियों का फ्री में इलाज करने वाले इस डॉक्टर की अच्छी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं मंडिया के लोग। केरला लॉटरी बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार। गैरकानूनी तरीके से केरला लॉटरियों को बेचने वाले एक व्यक्ति को चामराजनगर तालुक का गोल्डीपुर ग्राम के पुलिस ने किया है गिरफ्तार। आरोपी की पहचान नंजुंडन स्वामी के नाम से
हुई है जो केरला से लॉटरी टिकट लाकर चामराजनगर में बेच रहा था। पुख्ता जानकारी के आधार पर PSI ताजुद्दीन ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर 67,000 रुपये वाले लॉटरी टिकट को किया है जब्त। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मामला संते मारहली पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। सिद्धरामैया, DK शिवकुमार सहित 29 कांग्रेसी नेताओं को कोर्ट का समन्स जारी। रामनगर में कांग्रेसी नेता कोरोना वायरस की पाबंदियों के बीच भी मेकेडाटू नदी के पानी के लिए यात्रा की थी, जिसके चलते इसको लेकर मामला दाखिल किया गया था। बेंगलुरु के जनप्रतिनिधि अदालत ने समन्स जारी करके खुद से हाजिर होने की नोटिस जारी की है इन कांग्रेसियों को, जिसमें सिद्धरामैया, DK शिवकुमार सहित 29 कांग्रेसी नेता हैं शामिल। बच्चों को बेचने वाली नर्स पुलिस के जाल में। SPHD आनंद कुमार का बयान। बीजापुर के अथनी गली में रही जयमाला बीजापुर नामी नर्स गैर कानूनी तौर पर बच्चों की परवरिश करने वाली नर्स के खिलाफ चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत के चलते घर पर रेड करके 3 लड़कियां और 1 लड़के की सुरक्षा की है पुलिस ने। इस मौके पर 3 साल की 2, 4 साल का 1 और 11 महीने के बच्चे की गैर कानूनी परवरिश करने का पता चला है। बीजापुर जिला चरचान तालुका के जिगजनगी गांव के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में स्टाफ नर्स के तौर पर काम करती है यह महिला। फिलहाल जयमाला पुलिस की गिरफ्त में। जांच के दौरान पता चला है कि वो पिछले 3 सालों से इस धंधे में शामिल होकर अलग अलग गाँव से बच्चे लाकर पहचान वालों को बेचा करती थी, जो गैर कानूनी है। मामला बीजापुर गांधी चौक महिला पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। शुरुआती जांच में इतना ही पता चला है, कहा जिला SPHD आनंद कुमार ने। अब देखना है कि किसके बच्चे किसको बेचे गए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।